जाकर न जाने कितनी रिवायतें निभाती है। सलाम है हर उसे खातून को जो सिर्फ घर को घर नहीं बनाती, न जाने कितने किरदार निभाती। आज वुमेंस डे के मौके पर मैं मौजूद हूँ मुकुंद प्री स्कूल में। मेरे साथ श्वेता शुक्ला हैं, यहाँ की ओनर। आज उनसे बात करेंगे। मैम, पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू, सेम टू यू। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुकुंद प्री स्कूल को आपने कब से स्टार्ट किया और ये कब सोचा है? आई स्टार्टेड मुकुंद स्कूल प्री स्कूल इन फेबररी 2015 और मैंने यहाँ पे एज अ टीचर अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश की थी। बट जब मिस्टर विजय अग्रवाल सर, जो कि ब्रांड ओनर है हमारे, उन्होंने मुझे जब फ्रेंचाइजी का ऑफर किया तो मैंने अपने फैमिली में डिस्कस किया। एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक स्कूल चलाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतने बच्चे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पेरेंट्स की जवाबदेही होती है। देन मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरी मदर इन लॉ हैं घर पर, उनसे डिस्कस किया। काफ़ी सोचने विचारने के बाद करीब एक महीने में हमने डिसाइड किया नहीं, हमें इस ब्रांड के साथ जुड़ना है। एंड देन मैंने विजय सर के साथ अपनी मकूंस की फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट की, जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक ब्रांच है। और आज 4 साल हो चुके हैं हमारी ब्रांच को। एंड 2 ब्रांचें हैं हमारी क्रॉसिंग रिपब्लिक में, एक GH7 में और एक ओम विहार में। एंड अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतनी दूर तक नहीं आ पाती। तो आप स्टार्टिंग से ही टीचिंग फील्ड में थी, आपका कोई और फील्ड था? नहीं, स्टार्टिंग डेफिनेटली मैंने टीचिंग फील्ड से की थी, बट वो सिर्फ ऐसा था कि स्टार्टिंग में पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं कहीं पे भी जॉब मिल जाए। बट हाँ, उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ICC ग्रुप में काम किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ होम मेकर। फिर मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर लेडी को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं प्रगति कर रही हैं, तो मुझे भी अपना नाम बनाना था, अपनी पहचान बनानी थी। इस वजह से मैंने टीचिंग लाइन वापस ज्वाइन की और जब मुझे ये ऑफ़र मिला तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। कितना टफ होता है आज के टाइम पे घर भी संभालना, किड्स को संभालना और फिर स्कूल संभालना? नो डाउट बहुत टफ जॉब है ये, क्योंकि यहाँ पे भी करीब 100 से ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास, उनके पेरेंट्स हैं और घर पे मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, प्लस मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ रहते हैं। लेकिन जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको घर से सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस आप अपने आप बिल्ड करो, बाकी सपोर्ट घर वाले अगर आपके कर देंगे तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी महिला कभी भी सक्सेसफुल होने में कहीं पीछे छूट जाएगी। जब आपने डिसीजन लिया था कि मुझे मुकुंद स्कूल खोलना है या इसकी फ्रेंचाइजी लेनी है, तो क्या सपोर्ट था, क्या डिफ़िकल्टीज थी? डिफ़िकल्टीज एज सच बहुत तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक बार सोचेंगे। एंड उस समय मैं कुछ नहीं करती थी, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ही वॉज द अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली और पूरी इन्वेस्टमेंट उनको करनी थी, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा टाइम लगा सोचने में। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने भी जो सोचा वो सही है, क्योंकि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नो डाउट आप एक बार ज़रूर सोचोगे। बट आई थिंक सो आज भी आज उनको मेरे पर प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। तो आपके स्कूल में कितनी टीचर्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे पास अभी 27 एम्प्लॉयज़ का स्टाफ है दोनों स्कूलों में, और करीब 150 प्लस की स्ट्रेंथ है दोनों स्कूल्स मिला के। एंड ये हमारी पहली ब्रांच थी मकूंस ब्रांड की। अब हमारी प्रेजेंस 5 states में है, प्लस वी आर हैविंग 50+ branches ऑल ओवर इंडिया। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो भी आप देखती हैं? हाँ, वो भी मैं देखती हूँ, और मेरे साथ मेरे पार्टनर है मिस्टर सुप्रज अग्रवाल, वो हम दोनों ये ब्रांचेस देखते हैं। और अगर जैसे कभी होता है कि घर है, 2 किड्स हैं जैसे आपने बताया, कभी अगर वो किड्स बीमार हो जाते हैं, स्कूल को भी मैनेज करना, वो सब कैसे मैनेज करते हो? उसमें तो देखिए ये है कि सबसे बड़ा रोल घर वालों का होता है। अगर बहुत ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट है कि मैं चीज़ उस काम को नहीं छोड़ सकती, तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी रहती हैं घर पे, वो देखती हैं बच्चों को। और नहीं तो कभी बच्चे मैं अपने साथ ले आती हूँ अगर मैनेजेबल होता है तो बैलेंस मेरा बन जाता है। लेकिन ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपके प्रेफरेंस उस समय क्या है,
अगर बच्चा बीमार है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस आपके बच्चा ही होना चाहिए। आपकी मदर लॉ और आपके हस्बैंड का क्या सपोर्ट है इस पूरे रोल में? बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर है, तभी मैं निकल रही हूँ। तो उस तरफ से मैं एक तरह से फ्री रहती हूँ, और कहीं पे भी जाना है, कोई फंक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो कभी रोक टोक नहीं होती कि आज वहाँ क्यों जाना है, क्यों करना है, ऐसा नहीं सवाल होता है। आपको जाना है आप जाइए, क्योंकि आपका काम है, एंड यू आर द ओनर एंड यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। आपको इतने पेरेंट्स को जवाब देना है तो यू शुड बी देयर, तो उसमें उनका सपोर्ट रहता है। बहुत बार उन्होंने भी बच्चों को बैठ के घर पे देखा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। तो ये थी मकून्स की ओनर श्वेता शुक्ला मेरे साथ, इन्होंने अपने सफर के बारे में मुझे बताया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। हैप्पी वुमेन्स डे।